भारत दिन पर दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। इस राह पर उसके कुछ देश मित्र बने और कुछ शत्रु। भारत की ताकत देखकर दुश्मन देश कांप उठते हैं और मित्र देश हमेशा भारत की ताकत बढ़ाने के लिए आगे रहते हैं। उन्हीं देशों में से एक है रूस, जिसकी मित्रता को बयान नहीं किया जा सकता। रूस 8 महीने से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, फिर भी उसने भारत की सेना की मजबूती के लिए एक से एक हथियार देना जारी रखा। युद्ध से पहले उसने जिन हथियारों की डील की थी, उनकी सप्लाई बिना देरी के समय पर कर दी। अब रूस ने भारत का एक ऐसा मैप जारी किया है, जिसे देखकर दुश्मनों में खलबली मच गई है। तो आइए आपको बताते हैं इस मैप के बारे में। रूस ने SCO में आमंत्रित देशों का एक मैप जारी किया है, जिसमें भारत का भी मैप है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। होता ऐसा है कि कोई देश जब मैप जारी करता है, तो वो विवादित जगहों को अलग अलग रंग से दिखाता है, जिससे दोनों देश संतुष्ट रहें। पर रूस ने मैप में पाकिस्तान से विवादित POK और चीन से विवादित अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अलग रंग से नहीं दर्शाया है, जिससे भारत को विश्व मंच पर बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। भारत की डिफेंस कंपनी गरुड़ा स्पेस ने गुजरात एक्सपो में एक नए तरीके के स्ट्रेंथ ड्रोन का मॉडल पेश किया है। कंपनी का कहना है कि ये 2-3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस ड्रोन की खासियत ये है कि इसका एक एक पार्ट स्वदेशी है और ये एक उड़ान में 6 घंटे तक आसमान में रह सकता है। इसमें कई खतरनाक छोटे छोटे ड्रोन लगाए गए हैं, जो टारगेट पर जाकर खुद ही फट जाएंगे। ये भारत का अपने में एक अलग तरह का ड्रोन है, जो युद्ध में भारत की बहुत मदद करेगा। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें।